कि मेरे जेब से 3000 रुपीस गिर गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिच गेमिंग एंड व्लॉग्स। सो आज का है डे 4 और कल रात को इतना ड्राइव करने के बाद रूम ढूंढने के लिए बहुत ड्राइव करना पड़ा। भाई थोड़ा ये भी लिखा हुआ। हाँ भाई, हुक्का ना हुक्का भी पिया कल रात को, वो बात अलग है। सो हम लोग रूम ढूंढते ढूंढते लेट हो गया, तो खाना भी ना खाए और वैसे ही सो गए। सो अभी आपको थोड़ा सा एक रूम टूर दिखाते कि रूम टूर में है क्या। एक्चुअली है नहीं बहुत बड़ा, छोटा सा, छोटे छोटे ठीक है, चलो दिखाता हूँ। ठीक है चलो आपको रूम दिखाता हूँ। ये देखो रूम की हालत देख लो भाई लोग, एक दिन में हम लोग ने यह हालत कर दी। फिर यह बाथरूम बहुत बड़ा है, कंबाइन है। यह है बाथरूम और पीपी। ये देखो भाई गोवा में क्या चालू है, लड़की पटाएगा। ये बाथरूम है और इधर बालकनी भी दिया। ये देखो हमारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ये बालकनी व्यू है, ठीक है। 400 पर पर्सन के हिसाब से रूम पड़ा है। एक मिनट, बालकनी बंद कर दे तो मच्छर आ जाएंगे। पार्किंग भी है भाई, ठीक है। वो देखो अपनी ब्लैक पैंथर, अरे हाँ वो देखो अपनी ब्लैक पैंथर। फिर उधर है अपाचे इसी का, फिर उसके बाद बेनेली अपनी। उसने नाम नहीं रखा ना बेनेली को? बेनेली का नाम नहीं रखा, पर शायद से और नाम रखेगा अपना। क्या क्या बोल रहा था, बीस्ट। ठीक है, देखते हैं अभी क्या नाम रखते। आप कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दो भाई लोग, आप जो नाम रखोगे उसको मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो ये रूम बीच से कुछ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मार्केट के बराबर बाजू में रूम है। सो एक्चुअली ये दिसंबर मंथ होता है ना, वो रश का टाइम का होता है। सो यहाँ पे इंडियन पब्लिक ज़्यादा आती है तो रूम्स फुल हो जाते हैं। तो 25 दिसंबर से आगे अगर आप आ रहे हो तो एडवांस बुकिंग ज़रूर कर लेना, नहीं तो हम लोग के जैसे मुँह उठा के आ जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग का तो थोड़ा सा वीकडेज में आए थे, इसकी वजह से थोड़ा बच गए हम लोग, नहीं तो अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है रूम ढूंढने में। ये रूम का कॉस्ट है 400 पर हेड। सो अच्छा रूम है विथ एसी। 400 पर हेड आपको फ्रिज मिल रहा है, ये देखो एसी, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा रूम है भाई। खाली नेटवर्क रूम में नेटवर्क चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं। रूम में नेटवर्क चाहिए भाई, नेटवर्क नहीं है भाई। क्या होता है मालूम है, गोवा में आते हैं ना तो रूम में नहीं रहते कोई। हाँ। रूम तो खाली नाम के लिए रहता भाई, है रात में यार, रात में क्या करेंगे अगर भाई लोग अगर व्लॉग एडिटिंग करके अगर अपलोड करना है तो क्या करोगे। अब अपनी पब्लिक को पता है मैं इतना जल्दी व्लॉग नहीं डालूंगा। भाई ठीक है, मतलब शांति वाला प्लेस है एकदम, पर मार्केट के और पार्किंग है तो गाड़ियों का भी टेंशन नहीं है। अपने आंखों के सामने गाड़ी रह रही है तो कोई टेंशन। अभी चलते हैं मार्केट में, खाना खाते, खाना नहीं खाएंगे भाई, नाश्ता करेंगे। हाँ नाश्ता करेंगे और डायरेक्टली बीच। ये है बागा बीच का मार्केट, सॉरी फॉर नॉइज। और ये हमारे परम मित्र मंगेश, जो विदाउट चप्पल चल रहे, उनको चप्पल ढूंढना है। पीछे इतने सारे शॉप्स गए पर उन्होंने चप्पल नहीं लिया अभी तक, क्या बात है भाई। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, देखते एक चप्पल तो पसंद आई है भाई को, ले लेते। नहीं है, चलो बाइक के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे।
लगता है पूरा गोवा ऐसे घूमने वाले। चैलेंज है तू यहाँ पे भी नहीं लेगा। हाँ चप्पल कुछ नहीं, लेडीज जेंट्स भी है उधर, दिख रहा है मेरे को यहाँ से। चार शॉप घूम चुके हैं, एक भी चप्पल नहीं ले रहा है वंटा है। भाई ने चप्पल ले लिया। अरे बार्गेनिंग क्या करेगा, 120 रुपये में उधर मिल रहा था तो 130 रुपये में उठा के लाया। भाई जो मिला वो सुकून है। क्या सुकून है, उधर 120 में मिल रहा था तो 120 में मिल रहा था। कौन 120 में नहीं दे रहा था, 150 में ले रहा था, 150 में। कौन 150 में दे रहा था, और 120 में दिखला के दिखाया तो और एक लेगा मेरे लिए 120। क्यों चैलेंज लगा रहा हूँ मैं तेरे। ये रोड अभी डायरेक्टली बीच की तरफ जाता है, तो अभी बीच की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए बागा बीच के बाजू में। यहाँ पे नॉर्मल रेट्स में सब नाश्ता वगैरह होता है। नॉर्मल मतलब इतना भी नॉर्मल नहीं है, बट है ठीक है। बाहर से बाकी जगह से तो रीजनेबल रेट में। यहाँ पे बाजू में एक मंदिर है, सो कोई लोकेश बागा बीच तो बहुत बड़ा है, मंदिर भी है और चर्च भी है बाजू। हाँ सो आपको लोकेशन चाहिए रहेगा तो मंदिर के बाजू में ही है, सो उस हिसाब से आ जाना। और ये शायद ये फूड लेन ही है मेरे हिसाब से, सब स्टॉल वगैरह है, बहुत सारे स्टॉल वगैरह है। हम लोग ने अभी मसाला, तीन मसाला डोसे मंगाया, देखते हैं उसका कॉस्ट है 80 रुपीस पर पर्सन, देख लेते हैं अभी। पर डोसा, पर डोसा। सो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। सो देखते हैं अभी, ये मतलब दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। दो टाइप्स में इनके फ्लेवर है, एक तो ऑरेंज कलर की चटनी और एक सांभर है अपना जो है। देखो ये ऑरेंज कलर की चटनी और एक सांभर दे रही है। हमारे यहाँ पे ग्रीन चटनी मिलती है बॉम्बे में, यहाँ पे दो टाइप के अलग चटनी है। सो देखते हैं अभी टेस्ट करके कैसा टेस्ट है, और आपको भी रिव्यू बता दे इसके बारे में। चलो भूख लगी, थोड़ा सिनेमैटिक। हाँ भाई सिनेमैटिक शॉट देखने के लिए मैं। चपोरा खुद ना, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच के ओर। ओह 90 सिनेमा। सो बीच तो सामने ही है, हम लोग ने यहाँ पे खाना खाया था। ये मंदिर की मैं बात कर रहा था वीडियो में, अभी जाएंगे यहाँ पे। अभी अभी चप्पल लिए सर जी मैंने यार, तोड़ोगे क्या, ऐसा कर रहे हो यार, ये गलत करते हो आप। यह है बागा बीच का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वहाँ तक है। सो हम लोग अभी बीच में ही जाएंगे और डुबकी लगाएंगे। ये देखो यहाँ लाइन से पूरे शॉप है। इसकी असली जन्नत तो ये रात में ही होती है। सो अभी थोड़ा हम लोग पानी में जाते हैं, फिर आपसे बात करते। लेट्स गो। अभी हम लोग का भीग वगैरह के हो गए। अबे ये कुटे डाल रहा है। अभी हम लोग का भीग के हो गया है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं रूम पे, वहाँ पे नहा भी के अगले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। हम लोग करीब करीब 3 घंटा यहाँ पे नहाए। चपोरा फोर्ट। ये बागा बीच है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, पैराग्लाइडिंग, बनाना राइड। सो अभी के लिए बागा बीच से इतना ही, आपको फिर मिलेंगे
नए डेस्टिनेशन पे। अभी हम लोग का नहा बीच से हो गया, बीच से हम लोग बाकी पूरा गंदा हो गए थे, सो अभी नहाया और डायरेक्टली इतनी नदी थी। अगर आप पानी में डूबते हो या पानी में खेलते हो थोड़ा टाइम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कैलोरीज बदलती, तो उसकी वजह से बहुत भूख लगी अभी। तो अभी आ गए होटल के नीचे ही खाना है, रूम के नीचे ही होटल है, तो अभी उधर खाने खाएंगे और जाएंगे चकोरा फोर्ट। आज का पहला डेस्टिनेशन है चकोरा फोर्ट, उसके बाद का डिसाइड तो है बट आपको बताएंगे। सेकेंड डेस्टिनेशन बागा बीच, बागा बीच तो नॉर्मल कल भी थोड़ा झलक दिखाया था, उसका नाइट तो दिखाना है, अभी नाइट भी दिखा देंगे आपको पूरा नाइट। बागा बीच में दे देंगे नाइट, तो बागा बीच का दिखा दिया था, आज नाइट हमारी कैलंगुट बीच में जाएगी भाई। सस्पेंस रख रहा था ये, छोड़ दिया सस्पेंस, मुंह पे रख दो। उसमें क्या है, कैलंगुट बीच का तो सस्पेंस है, वही सस्पेंस है आगे वाला सस्पेंस है। ठीक है चलेगा, अभी आगे जो होगा वो सस्पेंस है। अभी भाई ने तो बोल दिया आपने, अभी जाते हैं, पहले नहीं पहले खाते हैं फिर जाते हैं बीच पे, बीच पे नहीं बोट पे गए थे, तो पहले वहाँ पे जो बोट से बोट के बाजू में जाते हैं और एक बीच है, वो बीच पता है, तो जाएंगे उधर देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं, क्या सीन है, और सीनरी मतलब बहुत अच्छी अच्छी सीनरी है, तो अपन वो चेक करेंगे। चलो Thank you.